हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको मोटो टैब G62 को कंपेयर करने वाला हूँ नोकिया टैब T20 के साथ, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों टैब्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मोटो टैब G62 से। तो इसमें आपको डुअल टोन फिनिश मिलता है, 10.6 इंच का 2K+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, और नोकिया में आपको सिंगल टोन फिनिश मिलता है, और इसमें आपको 10.4 इंच का 2K+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। मोटो टैब G62 में आपको 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, एंड नोकिया टैब T20 में आपको 5:3 का रेशियो मिलता है। दोनों ही में आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। यहाँ पे आपको दोनों ही में जो रिजोल्यूशन है वो आपको 1200x2000 पिक्सल्स मिल जाते हैं, और जो पिक्सल्स पर इंच है वो आपको मोटो टैब G62 में 220 पिक्सल्स पर इंच मिलते हैं, नोकिया टैब T20 में आपको 224 पिक्सल्स पर इंच मिलते हैं। मोटो टैब G62 में आपको स्नैपड्रैगन 680 वाला SoC मिलता है, नोकिया टैब में आपको जो है वो यूनिसॉक T20 वाला जो है आपको चिपसेट मिलता है। दोनों ही टैब में आपको 4GB रैम एंड 64GB रोम का सपोर्ट मिल जाता है। मोटो टैब G62 में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, नोकिया टैब T20 में आपको 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। दोनों ही में आपको पीछे के साइड 8MP का रियर कैमरा मिलता है। मोटो टैब G62 में आपको 7700mAh का बैटरी मिलता है, नोकिया टैब T20 में आपको 8200mAh का बैटरी मिलता है। मोटो टैब G62 में आपको 20W का फास्ट चार्जिंग मिलता है, एंड नोकिया टैब T20 में आपको 15W का फास्ट चार्जिंग मिलता है। दोनों ही में आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला जो आपको UI मिलेगा। मोटो टैब G62 में आपको एंड्रॉइड 12 मिलता है, नोकिया टैब T20 में आपको एंड्रॉइड 11 मिलता है। मोटो टैब G62 में आपको क्वाड स्पीकर मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस, एंड नोकिया टैब T20 में आपको स्टूडियो स्पीकर मिलते हैं। दोनों ही में आपको 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाता है। मोटो टैब G62 में आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है, एंड नोकिया टैब T20 में आपको ब्लूटूथ 5.0 का। दोनों ही में आपको वाईफाई मिलता है, टाइप सी का सपोर्ट मिल जाता है। मोटो टैब G62 में आपको IP53 का रेटिंग मिलता है, जो नोकिया टैब T20 में नहीं दिया गया है। मोटो टैब G62 में आपको वाईफाई ओनली सपोर्ट मिलता है, और इसका जो प्राइस है वो है 15,999 रुपीज़, एंड नोकिया टैब T20 में वाईफाई ओनली का प्राइस है 15,499 रुपीज़। मोटो टैब G62 में आपको LTE वर्जन का प्राइस है 17,999 रुपीज़, एंड नोकिया टैब T20 का प्राइस है LTE वर्जन का 18,499 रुपीज़। सो गाइस, दोनों ही टैब्स जो है वो अपने अपने प्राइस सेगमेंट में जो है काफ़ी बेहतरीन है। बट यहाँ पे कंपेयर करने के बाद यहाँ पे मोटो टैब G62 जो है वो थोड़ा अच्छा निकल कर आता है, क्योंकि इसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है, जो नोकिया टैब में आपको जो है वो ब्लूटूथ 5.0 का। दूसरा, इसमें आपको IP53 का रेटिंग मिलता है, जो नोकिया में IP रेटिंग नहीं दिया गया है। तीसरा, इसमें आपको जो है वो 4 स्पीकर मिलते हैं, क्वाड स्पीकर मिलते हैं, जो नोकिया में डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलता है। तो ये 3-4 जो है वो डिफरेंसेस हैं जो नोकिया टैब से बेहतर बनाती है मोटो टैब G62 को, और प्राइस में जो है वो 200-400 रुपये का जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। सो गाइज, अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।